हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर इस मौसम गर्मी का सीज़न आ चुका है और अगर आप अपने लिए एक अच्छा चीप एंड बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम एक सैमसंग का 5-स्टार रेटेड और जो कि आपका डीजी टच कूल रेफ्रिजरेटर मिलता है, डिजिटल रेफ्रिजरेटर आपका ये आता है और ये काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है मार्केट में। तो आज इसी रेफ्रिजरेटर के बारे में बताएंगे, अगर आप अपने लिए एक चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर मार्केट में जाएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट रहेगा। तो यही कंफ्यूजन दूर करेंगे। और ये सैमसंग का डिजिटल रेफ्रिजरेटर मिलता है 5-स्टार रेटेड, कितना लीटर है, क्या प्राइस है, क्या क्या इसमें फीचर्स है, सभी ऑल रिव्यू करके हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप अपने लिए हार्ड एंड मनी जो है सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ समय का वीडियो है, देख लीजिए। और हम जो भी आपको वीडियो में जानकारी देंगे बिल्कुल सुपर, फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग बाद इसके रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। इस रेफ्रिजरेटर को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया, इसका आप कलर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा कलर मिलता है 3D डिजाइनिंग के साथ प्लस फ्लावर डिजाइन है। और जो है ये आपका डिजिटल फ्रिज मिलता है प्लस 5-स्टार रेटेड। तो अच्छा फ्रिज चाहिए आपको अपने लिए चीप एंड बेस्ट, तो वीडियो पर बने रहे जिससे आप डिसाइड कर सके कि आखिरकार फ्रिज में आपको रेफ्रिजरेटर, अच्छा रेफ्रिजरेटर लेने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो वीडियो पर पूरा बने रहे जिससे थोड़ा सा भी डाउट आपका जो है ना बचे। तो देखिए, ये रेफ्रिजरेटर आता है सैमसंग का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, ये 5-स्टार रेटेड है। स्टार रेटिंग देखिए, 1-स्टार से लेकर 5-स्टार तक आपको देखने को मिलेगा रेफ्रिजरेटर मार्केट में। तो ये 5-स्टार रेटेड है। अगर आप इसको 1 साल कंटिन्यू चलाते हैं, 1 ईयर कंटिन्यू चलाने पर ये आपको 131 यूनिट्स जो है बिजली खपत करेगा 365 दिन कंटिन्यू चलाने पर, जो कि BEE बोर्ड के द्वारा टेस्ट करके इसमें दिया गया है। इसका लेवल पीरियड है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 का इसका लेवल पीरियड है। इस साल इसमें लेवल पीरियड बिल्कुल नहीं दिया गया है, ये 2023 का लेवल पीरियड आपको इसमें मिलता है स्टार रेटिंग का। स्टार रेटिंग का जो है ना 2 साल में वैल्यू चेंज होता है, तो इसमें जो है 2023 का लेवल पीरियड आपको दिया गया है। ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ब्रांड सैमसंग का है। और ये टाइप जो देखिए सिंगल डोर 99% जो रेफ्रिजरेटर आता है वो आता है डायरेक्ट कूल, तो ये आपका डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। एक आता है फॉरेस्ट फ्री, ठीक है, फॉरेस्ट फ्री जो कि आपको डबल डोर मिलता है, लेकिन ये डायरेक्ट कूल होता है। डायरेक्ट कूल होता क्या है तो वो भी बताएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, ठीक है। टोटल नेट कैपेसिटी है आपका 189 लीटर, 189 लीटर्स इसमें आप टोटल स्टोरेज कर सकते हैं इस रेफ्रिजरेटर में। आप देखिए, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका एक स्कैनर दिया गया है, अगर आपको कुछ डाउट है कि आखिरकार ये 5-स्टार फ्रिज है या नहीं है तो इसे स्कैन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर आपका पूरा दिखा दिया जाएगा कि इसका एनर्जी खपत है कितना, तो ये भी आप स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं। उसके नीचे आइए, देखिए यहाँ पे एक वारंटी दिया गया है। इसमें फ्रिज जब लेते हैं तो उसमें कंप्रेसर टाइप होता है अलग अलग, ठीक है। तो नॉर्मली एक नॉन इन्वर्टर होता है, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर, तो इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है जो कि वेरिएबल स्पीड पर वर्क करेगा और ये काफ़ी कम बिजली खपत करता है, साउंडलेस होता है, अच्छा कूलिंग जो है मेंटेन करके रखता है रेफ्रिजरेटर का। तो इसीलिए आपको इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर यूज किया गया है। इन्वर्टर कंप्रेसर का गारंटी कितना है, वारंटी कितना है सो बताते हैं। आपका कंप्रहेंसिव वारंटी जो देता है सैमसंग 1 ईयर, और आपका कंप्रेसर का वारंटी देता है 20 ईयर, 20 साल आपके वारंटी मिलेगा इस सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में। तो 20 साल बहुत ही ज़्यादा होता है, हमको नहीं लगता है और भी कोई ब्रांड आपको 20 साल वारंटी देता है। तो इसमें आपका 20 साल वारंटी मिलेगा कंप्रेसर का 1 ईयर कंप्रहेंसिव। ये ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग के साथ आता है, वो क्या है वो भी बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहे फ्रेंड्स। कनेक्ट टू होम इन्वर्टर, इसे घर के इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर
आपका मिनिमम 60 वाट पर भी आपका ये रेफ्रिजरेटर चालू हो जाता है। 100 वोल्ट से लेके 310 वोल्ट तक ये विथाउट स्टेबलाइजर का भी वर्क करेगा। 21 ईयर्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्टेड बाय वीडी बोर्ड के द्वारा 21 साल तक इसको टेस्ट किया गया है हर एक स्थिति में, तो ये सर्टिफिकेट भी इसको मिला हुआ है। ये जितना भी था ये आपको दिखाया जाएगा। अब हम बताते हैं, फ्रिज में जाइए, स्टार रेटिंग देखिए, कैसा कंप्रेसर लगा हुआ है सो देखिए, उस पर वारंटी कितना दे रहा है सो देखिए, तो इस पर काफ़ी अच्छा वारंटी आपको दे रहा है। और ये डिजिटल पैनल के साथ आता है, सैमसंग इसे कहता है डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर, कि अगर आपको बिना डोर ओपन किए हुए आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर के कूलिंग को मेंटेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल टच नहीं कीजिए अंदर, आप डोर से ही इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी यूनिक फीचर्स है, ठीक है। तो आप जो है देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कहीं भी कुछ आपको इसमें नहीं दिया गया है। अब इसका इंटरनल दिखा दें तो ये देखिए, डोर में आपका जो है यहाँ पे आपका पानी का बोतल बड़ा साइज, उससे छोटा साइज 2 लीटर प्लस 1 लीटर, अंडा रखने के लिए अलग आपका बना दिया गया है, तो अपने उपयोग के अनुसार इसमें आप रख सकते हैं। और प्लास्टिक भी अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन इसी में अगर सैमसंग थोड़ा वाइट क्वालिटी वाला जो है प्लास्टिक यूज करता तो बेटर माना जाता है, और इसका जो है थोड़ा स्मेल आता है, लेकिन फिर भी अच्छा है, ठीक है। आप आसानी से जो है इसमें इसे भी ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है ऊपर फ्रीजर और दिया गया है, ऊपर आपका फ्रीजर चैम्बर हो गया, जिसमें आपका सुपर फ्रीज जोन दिया जाता है। इसमें आपको जो है फास्ट आइसिंग देखने को मिलेगा, इसमें आपको काफ़ी फास्ट जो है बर्फ़ इसमें बना सकते हैं आप इस रेफ्रिजरेटर में। आपका जो है 60 मिनट से लेकर 90 मिनट में आप आइस क्यूब इसमें तैयार कर सकते हैं इस रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। नीचे आपका जो है हाई चिल दिया जाता है, उसके बाद आपका टफिन ग्लास का 3 सेल्फ आपको इसमें दिया गया है, सेल्फ 3 आपको मिलता है, जिस पर 150 केजी तक भी वेट दीजिएगा तो ये आपका टूटेगा नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो है नीचे विजिटेबल बॉक्स मिलता है, और विजिटेबल बॉक्स में ही इसका वारंटी पेपर, मैनुअल कार्ड आपको देखने को मिलेगा, और एक छोटा सा आइस क्यूब आपको इसमें देखने को मिलता है। तो जितना भी इंटरनल था सो हम आपको बता दिए। अब इसका बैक दिखा देते हैं कि आपको कैसा दिया गया, इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है सो भी बताएंगे। तो वीडियो पर आप पूरा बने रहें, जिससे थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि सैमसंग का डिजिटल कूल रेफ्रिजरेटर आप ले या नहीं ले। तो अभी जानकारी बहुत बाकी है, ठीक है। आप देखिए इसका पीछे का लुक दिखाते हैं, इसके देखिए पीछे में आपको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें जो कंडेंसर रहता है वो आपका पूरा पैकेज इसमें कंडेंसर दिया गया है, जाली टाइप जो देखते हैं इसमें पूरा पैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे में आपका कंप्रेसर है, ये कंटेनर है, कंटेनर को भी आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। जब बर्फ़ जमता है तो आपका जो है पानी, जो बर्फ़ जो पिघलता है तो पानी जो बनता है वो आप इस कंटेनर में आकर स्टोर हो जाएगा। तो अगर उसको क्लीन करना हो तो हल्का सा इसको पुश कीजिएगा, तो देखिए आसानी से जो है आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कोई भी आपको स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करना पड़ेगा, तो हल्का सा पुश करने के बाद आप निकाल सकते हैं। प्लस चूहा से भी प्रोटेक्शन इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें तार बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है, बस ये न्यूट्रल तार आपको देखने को मिलेगा, और जितना भी है कनेक्शन सारा इस बॉक्स के अंदर है, जिसके कारण इसका पीसीबी बोर्ड भी इसके अंदर है, जिसके कारण सुरक्षित हो जाता है। तो चूहा से भी आपके घर में जो है सुरक्षित इसको मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप अगर लगाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप जो है इसे यहाँ से सेटअप कर पाइएगा। नॉर्मली कोई भी आपके घर में है तो वो आसानी से इसे हल्का सा पुश कीजिएगा तो ये आपका सेटअप हो जाएगा, और यहाँ से आपका पावर कॉर्ड इसमें लगा सकते हैं। आप देखिए इसके प्राइस रेंज के बारे में बताते हैं, इसका प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, इसमें एडवांस फीचर्स क्या मिलता है सो बताते हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जितना भी जानकारी था सो हमने दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इस रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से क्या आपको फीचर्स मिलता है, जो सैमसंग का ही जो मैनुअल कंट्रोल है, जो डिजी टच कूल नहीं है, उससे ये फास्ट कूलिंग करेगा, 53% फास्ट कूलिंग करके देगा, बिजली भी कम खपत करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि इसमें ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग का सिस्टम दिया गया है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर का भाग जो है 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो ये ऑटोमेटिक जो है कितना इसमें कूलिंग का ज़रूरत है ये ऑटोमेटिक करने लगता है। आप घर में हैं या नहीं हैं ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा कि इसको कितना कूलिंग करना है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मिलता है कि आप हमेशा, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हमेशा रेफ्रिजरेटर का जो है कूलिंग मेंटेन करते रहे, तो ये ऑटोमेटिक कर लेगा।
जिसके कारण आपका कम जो है बिजली खपत करेगा, क्योंकि कंप्रेसर का जो है ना स्पीड ये कम कर देता है, जिसके कारण आपका सामान भी ख़राब नहीं होगा और ये कूलिंग भी जो है फास्ट करने लगता है। इसमें पावर कूल का ऑप्शन दिया गया है जो कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका कंप्रेसर जो है अपना फुल कैपेसिटी के साथ जो है चालू होगा और जो है आपका ये रेफ्रिजरेटर ठंडा होगा। इसे कंट्रोल कैसे करना है वो भी वीडियो, टोटल पैनल को कंट्रोल करना है वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन हम फिर एक न्यू वीडियो इसका डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हम आपको इसका पूरा डिटेल्स दे देते हैं। इसमें इको मोड का सिस्टम दिया रहता है। इको मोड से क्या कर सकते हैं, जैसे ठंड के मौसम में हम रेफ्रिजरेटर बहुत ही कम यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इको मोड दिया गया है, तो इको मोड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेटर जो है इसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन कूलिंग जो है मेंटेन करके रखेगा और बिजली कम खपत करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई डिफॉल्ट्स का सिस्टम दिया गया है। डिफॉल्ट्स का कब उपयोग होता है सो बताते हैं। जैसे इस रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर जोन है इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी पूरा बर्फ़ जम जाता है तो आपका ये डोर भी ओपन नहीं होगा, उस समय क्या करना है आपको, ये ई डिफॉल्ट्स का बटन जो है ई डिफॉल्ट्स का, इसे 3 सेकंड के लिए इसे पुश करके रखिएगा, मात्र 3 सेकंड के लिए इसे पुश करके, तो ई डिफॉल्ट्स में चला जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर जो भी बर्फ़ होगा वो पानी बन जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रीज पावर कूल, ठीक है, अगर हम आपको बताए हैं इसमें फ्रीज को अगर फास्ट कूलिंग करना चाहते हैं, पानी फास्ट ठंडा करना चाहते हैं, तो बस इसे 3 सेकंड के लिए इसे दबा कर रखिएगा तो आपका फास्ट कूलिंग फ्रीज जो है करना चालू हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मौसम दिया गया है, समर का मौसम है, मानसून है, विंटर है, उस अनुसार भी सेटअप कर सकते हैं। और जब भी लाइट अगर अधिक कटअप हो, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन हो, तो ऑटोमेटिक इसमें ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग में चला जाएगा, जब भी 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर होगा। तो ये इसमें एक एडवांस फीचर है, इसमें एक एडवांस फीचर क्या मिलता है सो बताते हैं, जो कि हमको नहीं लगता है नॉर्मल किसी भी मैनुअल रेफ्रिजरेटर में है। अगर आप घर में नहीं हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रेफ्रिजरेटर को ये ओपन छोड़ दे, ठीक है, ये डोर लगाना भूल जाए मान लीजिए और इसको ओपन करके छोड़ दिया है, तो इसमें क्या होगा ना, डोर अलार्म दिया गया है जिसके कारण ये जो है साउंड करने लगेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रेफ्रिजरेटर ओपन है, जो कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन इसमें आपको ये जो है साउंड करने लगेगा, अलार्म का सिस्टम दिया गया है, तो ये साउंड करेगा तो आप जान जाएगा कि हमारा रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन है। तो ये सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, अगर डोर ओपन छूट जाए तो ये आपका अलार्म इसमें बजने लगेगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ आता है ये रेफ्रिजरेटर। अब इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं, ये जो है 25,999 इसका MRP हुआ, और डिस्काउंट प्राइस जो अभी का ये चल रहा है 19,900 रुपया हम आप इसे परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ऑफलाइन का प्राइस है, अप डाउन भी हो सकता है इसका प्राइस, ऑनलाइन देख लीजिएगा क्या प्राइस है, वो हम चेक नहीं किए हैं। 19,900 रुपया हम आपको ये ऑफलाइन में मिल सकता है। इस फ्रिज का किसी भी प्रोडक्ट का कुछ अच्छाई है तो कुछ खराबी भी होता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। तो देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का जो है कमेंट रहता है इस रेफ्रिजरेटर में कि ये डिजिटल है, इसका पीसीबी बोर्ड ख़राब हो जाता है या ये पैनल ख़राब हो जाता है। तो देखिए अगर इस रेफ्रिजरेटर को आप परचेस करते हैं तो इसके साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर भी आप ज़रूर परचेस कीजिए, जो कि 90 वोल्ट से वर्क करे, जिससे आपका जो है रेफ्रिजरेटर का पीसीबी बोर्ड जो है सुरक्षित रहे। ठीक है, कंपनी हमको बोलता है कि आपको 100 वोल्ट से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर में कभी भी कुछ ना प्रॉब्लम हो तो एक स्टेबलाइजर भी इसके साथ परचेस कीजिए, और काफ़ी अच्छा इसका लाइफ आपका होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे इसका पीसीबी बोर्ड सुरक्षित रहेगा तो रेफ्रिजरेटर में आपको कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए इसे आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इसका मॉडल हम आपको बता देते हैं, RR21C2E25NK, ये स्टैंड बेस और विथाउट स्टैंड दोनों देखने को मिलेगा। ये विथाउट स्टैंड है, स्टैंड बेस लीजिएगा तो वो इसे 500 से 600 जो है उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो दोनों मॉडल आपको उपलब्ध हो जाएगा, स्टैंड बेस दोनों। इसका वारंटी भी काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स आप जिस भी शहर में रहते हैं इसे परचेस करने से पहले एक बार इसके सैमसंग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ज़रूर ले लें कि आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है, उपलब्ध है तो कितना टाइम में आपको सर्विस देता है। अभी के समय में काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ आपका ये रेफ्रिजरेटर आता है, तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और हमसे कुछ बताने में छूट रहा है तो कमेंट कीजिए, उसका भी रिप्लाई हम आपको देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
आप चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसका डिजिटली पैनल कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें पावर सप्लाई देके, वो भी वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।